नमस्कार दोस्तों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा है डे 22, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड या शब्द का प्रयोग करें। रेखांकित खंड है हमारा के दिन। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित खंड है के दिन, इसके स्थान पर आएगा को। क्या आएगा? को। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, बच्चों को काट कर आम खिलाओ। यहाँ पर जो रेखांकित पद है वह काट कर आम। यहाँ पर जो रेखांकित पद है काट कर आम, इसके अंदर क्या होगा, जो आम शब्द है वो पहले आएगा। आएगा आम, पहले आएगा, बच्चों को आम काट कर खिलाओ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आम काट कर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह है गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह है नहीं है। यहाँ पर जो चारों शब्द समूह दिए गए हैं, इनके अंदर जो ऑप्शन नंबर एक है, त्रिपथा सूर्यजा। त्रिपथा तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जो सूर्यजा होता है वो सूर्यजा यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? यमुना का। बाकी के जो पद दिए गए हैं वो सारे गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जो इतिहास से संबंध रखता है के लिए एक शब्द क्या है। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, जो इतिहास से संबंध रखता है, ये एक वाक्यांश दिया गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें यहाँ पर देखना है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जो इतिहास से संबंध रखता है वो होता है हमारा ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। यहाँ पर जो चार वाक्य दिए गए, इनमें से तीन वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम के हैं तथा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। यहाँ पर जो वाक्य नंबर एक है, इसके अंदर किसी भी संज्ञा शब्द के की तरफ संकेत नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर एक, नदी में पानी नहीं है। यहाँ पर किसी की तरफ संकेत नहीं किया गया है, डायरेक्टली संज्ञा उस संज्ञा का नाम लिया गया है। संज्ञा शब्द कौन सा हमारा यहाँ पर? नदी। लेकिन ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 में वह आदमी एक विदेशी जासूस है। किसी व्यक्ति की तरफ क्या किया गया है? संकेत किया गया है कि वह आदमी। अगला हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, यह लड़का इस कक्षा में का मॉनिटर है। तो किसी की तरफ इशारा करके बताया गया है कि यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर भी, ये मेरी पुस्तक है, यानी इशारा कर रहे हैं कि ये मेरी पुस्तक है। तो 2, 3 और 4 के अंदर संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर जो चार वाक्य दिए गए, इनमें से शुद्ध वाक्य को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर वाक्य नंबर 3 की बात करें तो वाक्य नंबर 3 हमारा शुद्ध वाक्य, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। अगला हमारा प्रश्न है, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। यहाँ पर जो घोर शब्द है उसका जो समानार्थी शब्द होता है उसका प्रयोग यहाँ पर कौन से वाक्य में किया गया है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य नंबर 2 है,
इसके अंदर घोर का जो समानार्थी शब्द होता है गहरा, उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था। अगला हमारा प्रश्न है, 10 रुपया में क्या आता है? इस वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ पर हमारा जो वाक्य है 10 रुपया में क्या आता है, यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द है वो हमारा रुपया, यहाँ पर क्या होना चाहिए? रुपये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रुपये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, नमन का आरोग्य अच्छा है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? आरोग्य का जो समानार्थी शब्द होता है उसका प्रयोग यहाँ पर कौन से वाक्य में नहीं किया गया है? यहाँ पर हमारा जो वाक्य नंबर 3 है इसके अंदर आरोग्य का जो समानार्थी शब्द है उसका प्रयोग नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आरोग्य का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है सेहत, तंदुरुस्त और स्वास्थ्य। अस्वस्थ यहाँ पर आरोग्य का समानार्थी नहीं है, ये क्या इसका विलोम है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान घोड़े पर सवार होना, उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहां पर आएगा हमारा हवा के, कौन सा आएगा? हवा के घोड़े पर सवार होना, ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है? यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य नहीं है, कौन सा अशुद्ध वाक्य वो हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर जो चारों वाक्य दिए गए हैं इनमें जो अशुद्ध वाक्य है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्या यह पत्र अपने प्राचार्य को देना है, ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है इसकी यहाँ पर त्रुटि है, इसमें डायरेक्टली ये होना चाहिए क्या ये पत्र अपने प्राचार्य को देना है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आंखों में रिक्त स्थान माला घिर आना, उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। यहां पर हमारा जो रिक्त स्थान है उसका जो उत्तर होगा वो होगा मेघ, आंखों में मेघ माला घिर आना, मुहावरा क्या होता है हमारा? आंखों में मेघ माला घिर आना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, जो वाक्य दिया गया है इसका जो अशुद्ध भाग है वो हमें यहाँ पर अलग करना है। वाक्य हमारा, रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर हमारा जो अशुद्ध भाग है वो है ऑप्शन नंबर 4, बेफिजूल की बातें, रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर जो बेफिजूल की बातें हैं यहाँ पर अगर हम इस वाक्य को शुद्ध करें तो यहाँ पर होगा, रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल बातें, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, वाक्य हमारा, रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर जो वाक्य है इसके अंदर जो अशुद्ध भाग है वो हमारा बेफिजूल की बातें, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पयोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पर हमें पयोध शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है।
योग का जो पर्यायवाची होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर 4, जलधर। कौन सा होता है? जलधर। पयोत का जो सही पर्यायवाची वो कौन सा होगा? जलधर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर जो चार वाक्य दिए गए हैं इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो हमारा शुद्ध वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सीमा की 5 बहनें हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए गद्यांश के अनुसार प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान 1 की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 16 के अंदर रिक्त स्थान 1 है, उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा संग्रह। कौन सा होगा? संग्रह। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान 2 की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो रिक्त स्थान 2 है इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा हमारा आंतरिक। कौन सा होगा? आंतरिक। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान 3 की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो रिक्त स्थान 3 है उसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वाभाविक। कौन सा होगा? स्वाभाविक। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान 4 की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो रिक्त स्थान 4 है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, आचरण। इसे वाक्य में लिखकर देखते हैं, उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान 5 की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो रिक्त स्थान 5 है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, संयम। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसका प्रॉपर ध्यान रखें और लगातार टेस्ट सीरीज में बने रहिए। धन्यवाद।